धर्मशाला के विधायक किशन कपूर हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र पहुंचे। उनके स्वागत के लिए स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था। किशन कपूर का भव्य स्वागत बगलामुखी मंदिर के पास किया गया। उन्होंने बगलामुखी माता मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद यहाँ से वह अपने काफिले के साथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। बड़ी तादाद में धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लोग जगह जगह में मंत्री के स्वागत के लिए जमा हुए। गृह क्षेत्र पहुंचते ही बैंड की मधुर स्वर लहरियों व देशभक्ति गीतों के बीच खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री का अभिनंदन किया गया। विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और पटाखे चलाकर उनका भव्य स्वागत किया। धर्मशाला के ग्राउंड में सबसे पहले उनका कार्यक्रम हुआ और उसके बाद बंगली मसरेहड़ा चेतरू व कोतवाली बाजार में भी अभिनंदन किया गया। उन्होंने विनम्रता से सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा और धर्मशाला में विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। सर, आज आप पहली बार धर्मशाला आए हैं, जितने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद क्या प्राथमिकताएं आपकी धर्मशाला में रहने वाली हैं? देखिए, मैं तीसरी बार मिनिस्टर बना हूं, कैबिनेट मिनिस्टर। मैंने पहले कहा विकास की कोई सीमा नहीं होती, विकास समय के साथ लोगों की जरूरतें बढ़ती जाती हैं और इसमें कोई प्राथमिकताएं नहीं होती। जैसे जैसे लोग बताएंगे उसके अनुसार हम काम करेंगे। सर, स्मार्ट सिटी में धर्मशाला का चयन हुआ है, तो पहले भी आरोप जो है कांग्रेस सरकार में आप लगातार लगाते रहे हैं, स्मार्ट सिटी में किस तरह से जो है आगे बढ़ाएंगे कार्य को? देखो, धरती पर जब लेकर आएंगे आपके सामने बताएंगे हम क्या लेकर आएंगे।